मुरैना जिले वासियों को पुनः मेरा नमस्कार। एक बस फेसबुक लाइव में अपडेट देना है। अभी जैसे ही फेसबुक लाइव हमने समाप्त किया, हमारे पास गांधी मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट आई है। 8 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, उसमें से 5 नेगेटिव है, 1 का रिजल्ट पॉजिटिव आया है और 2 मिसमैच है जिनको हमें दोबारा से मिसमैच या इनकंक्लूसिव है जिसका हमको दोबारा से सैम्पलिंग करनी है। एक जो पॉजिटिव आया है, ये जो पहले संक्रमित व्यक्ति है इनके बहुत ही करीबी दोस्त थे और रोज ही ये लोग साथ में इनका बैठना और उठना रहता था। पता ये भी चल रहा है कि ये दोनों साथ में बैठ के खेलते थे, ताश खेलते थे, तो हो सकता है कि क्लोज कांटेक्ट में आने के वजह से ये पॉजिटिव हैं। ये ऑलरेडी पहले से ही सैंपल लेने के टाइम से जिला अस्पताल में ही थे और इन ये जो नया व्यक्ति पॉजिटिव आया है, इनका भी पूरे परिवार की अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है और इनके परिवार वालों का भी जो है अभी सैंपल किया जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति भी उसी गली में रहते हैं। इसीलिए हमको नए सिरे से कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं करना पड़ेगा और नए सिरे से हम लोगों को कोई एपिसेंटर नहीं बनाना पड़ेगा। इसलिए वार्ड 47 के सभी निवासियों को मेरा पुनः हिदायत है कि बहुत ज़्यादा एहतियात और सुरक्षा बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि संकट जैसे मैंने पहले ही बताया था पूरी तरीके से टला नहीं है। एक और व्यक्ति का अभी पॉजिटिव आया है जो उनके परिवार के नहीं थे लेकिन उनके करीबी थे जिनके साथ इनका उठना बैठना रहता था और दिन भर ये लोग साथ में ताश खेलते थे, ऐसे एक व्यक्ति का जो है पॉजिटिव आया है। हालांकि ये व्यक्ति भी अभी स्वस्थ है और जिला अस्पताल में ही है और इनका उपचार जो है शुरू किया गया है। नमस्कार।